हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी के साथ लगते रोहला गांव की एक महिला ने अपने मकान के नजदीक स्थित स्टोर का जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर उसने एक मादा भालू को पाया, जिस पर उसने तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां इकट्ठे होकर शोर मचाया। शोर से मादा भालू तो वहां के साथ लगते जंगल में भाग गई, पर अपने बच्चे वहीं छोड़ गई। पता लगा कि मादा भालू स्टोर में अपने बच्चों को जन्म देने के लिए ही आई थी। बात हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी की है, जहां के ग्रामीण क्षेत्र रोहला के एक घर के स्टोर में साथ लगते जंगल से आकर एक मादा भालू ने दो नर बच्चों को जन्म दिया है। रोहला गांव के नवीन कुमार बताते हैं कि जैसे ही उनकी मां स्टोर में गई तो उन्होंने वहां भालू देखा। अन्य लोगों को सूचना देने पर जैसे ही शोर मचाया तो भालू जंगल की ओर भाग गया, लेकिन अपने पीछे दो नवजात भालू छोड़ गया। घटना की सूचना मिलते ही DFO डलहौजी नितिन पाटिल की अगुवाई में वन विभाग की टीम सहित पशु चिकित्सक डॉक्टर नीतिका ने मौके पर पहुंचकर पाया कि मादा भालू ने दो नर भालू बच्चों को जन्म दिया है। वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी हॉस्पिटल बनी थी। ओके, अकॉर्डिंग टू यू कि जो भी अभी जो कब्स पाए गए तो बोथ आर मेल और फीमेल वाटर को? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज बोथ आर मेल्स। बोथ आर मेल्स, ओके, दे बोथ आर प्रॉपर इन देयर हैबिटेबल कंडीशन? Is there any changes or whatever? अभी बहुत छोटे हैं, वो दो तीन दिन के कब्ज हैं, तो अभी तो डेफिनेटली मदर की केयर की रिक्वायरमेंट है उनको। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया सर ने कि अभी हम यही सर्वेलेंस पे ही रखेंगे, अगर मदर आके ले जाती है वही उनके लिए बेस्ट रहेगा, उनको डिसलोकेट करना उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है फिलहाल, तो इसीलिए दो तीन दिन के सर्वेलेंस के लिए रख रहे हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। नवजात भालू के बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि इस स्थिति में बच्चों को अभी मां की जरूरत है। फिलहाल मादा भालू के आसपास ही होने की आशंका पर DFO ने सुरक्षा की दृष्टि से एक टीम को मॉनिटरिंग के लिए लगा दिया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का सहारा भी लिया जाएगा, जिसके माध्यम से भालू के बच्चों और उसकी माँ की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। आज सुबह 12:30 के आसपास रोहला विलेज के अंदर रुलियानी पंचायत के अंदर एक डिफंक्ट कैटल शेड के अंदर दो छोटे ब्लैक बियर के कब्स की इन्फॉर्मेशन हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गांव वालों के थ्रू मिली। उसके बाद इमीडिएटली हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने मौका का विजिट कर दिया, और उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की मदद लेके उस जो दो कब्स थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दिया, और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे हमें ये महसूस हुआ कि जो मतलब कि हमारे कॉम्पिटेंट वेटनरी ऑफिसर्स के रिपोर्ट्स के आधार पे हमें ये महसूस हुआ कि इनको बेसिकली अभी मदर की जरूरत है, इन कब्स को, और दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर, तो उनको फीडिंग और उनकी केयर लेने के लिए मदर की जरूरत है। तो हम अभी इस स्टेज पे इसके लिए हमने एक सर्विलेंस टीम का गठित कर दिया है, और सर्विलेंस टीम में हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स डाले हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है, वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है, उसके बाद गांव के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, प्रधान है, वार्ड मेंबर्स है, और इनके मतलब इन सभी के थ्रू हम इनका बेसिकली सर्विलेंस कर रहे हैं, और हम इसको मॉनिटर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली भी हम मॉनिटर करेंगे और फिजिकली भी मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि मतलब कि मदर की एक्टिविटी कब्स के बारे में क्या हो रही है, मदर वेदर मतलब कि जो मदर है वो अप्रोच कर रही है कब्स को, उनको फीडिंग कर रही है, और पैरेलली वो उनको लेके मतलब शिफ्ट उनके नेचुरल हैबिटेट में लेके, हमें ये आशंका है कि वो अपने मदर अपने कब्स को लेके नेचुरल हैबिटेट में शिफ्ट करेगी। बहरहाल संभावना जताई जा रही है कि मादा भालू अपने बच्चों को लेने के लिए आ सकती है, जिसके चलते वन विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है, ताकि मादा भालू हिंसक होकर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। K चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।